सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्ट हम देखते हैं कि चैन शक अपने साथ सुपिंग को लाता है और नहीं से कह रहा होता है कैप्टन बॉस तो यहाँ पे है, जिसे देखते हुए चैन लंग और मोलाओ दोनों ही काफी ज्यादा रन होते हैं। जहाँ पे चैन लंग कह रहा होता है चैन शक के बगल में आखिर ये आदमी ये कौन है, ये तो काफी ज्यादा जवान दिखता है। दूसरी तरफ वो जो कैप्टन नहीं होता है वो सुपिंग से हाथ मिलाते हुए कह रहा होता है ब्रदर सू, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम काफी ज्यादा बहादुर हो। जो कि सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप कैप्टन नी चेंगकांग है ना? तो ये सुनते हुए नी चेंगकांग कह रहा होता है हाँ मैं यही हूँ और मुझे आपको दो लोगों से और इंट्रोड्यूस करना है जो कि हमारी मदद करेंगे। और नई मोलाओ और चेनलोंग से कह रहा होता है यह सुपिंग है जिन्होंने चेन शांग और उसी के साथ साथ जियाओ जू की जान बचाई थी, इन्होंने 8th ऑर्डर के डिमोनिक स्केलेटन बीस्ट को मार डाला था। और ये कहते ही वो सुपिंग से कह रहा होता है सुपिंग ब्रदर सबसे पहले खजाना चुनने से आप इनकार नहीं करेंगे है ना? वे सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है हाँ मैं तुम्हारी काइंडनेस को एक्सेप्ट करूंगा। जो कि सुनते हुए वो दोनों काफी ज्यादा रन होते हैं और वो दोनों कहने लगते हैं क्या तुमने 8th ऑर्डर के डिमोनिक स्केलेटन बीस्ट को मार डाला, तुम तो काफी जवान हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी नई चेंगकांग उन दोनों से कह रहा होता है तुम दोनों क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हारे पास लक्षण के बारे में कोई क्वेश्चन है? तो ये सुनते हुए चेनलोंग कह रहा होता है इस उम्र में इस तरह के अचीवमेंट के साथ वह वास्तव में हमारे बराबर रहने के हकदार है। तो मोलो कह रहा होता है चूँकि वो भी हमारे साथ माउंटेन ऑफ डस्ट में चल रहा है तो मुझे कुछ भी नहीं कहना। और कुछ से बाद हमें द सीक्रेट किंगडम ऑफ द ड्रैगन माउंटेन का एंट्रेंस दिखाया जाता है जहाँ पे सुपिंग और उसके साथ ही यहाँ पे जा रहे होते हैं कुछ खजाने की तलाश में। आगे बढ़ते हुए नई चेंगकांग सुपिंग से कह रहा होता है ब्रदर सुपिंग इस ड्रैगन माउंटेन के एटीट्यूड रिलेटिवली काफी ज्यादा है तो इसलिए यहाँ की हवा ये काफी ज्यादा पतली है और वैसे अगर तुम्हें अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है तो हमें बता दीजिए, हम धीरे धीरे चल सकते हैं। तो मोलो कह रहा होता है अरे अरे ऐसा मत करो, मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता। तो नहीं कह रहा होता है हाँ लेकिन ब्रदर सुपिंग यहाँ पे नए हैं और ये कॉमन है कि वो यहाँ के नियमों को नहीं जानते हैं। ड्रैगन माउंटेन का इलाका इतना ज्यादा खतरनाक है कि दुर्घटना होना आसान है, यहाँ तक कि जो कि 8वें लेवल पे है अगर वो भी गिर जाए तो भाग्यशाली नहीं होगा क्योंकि हमारे पास उड़ने की पावर नहीं है। इसलिए पोइनियर के बीच एक लिखित नियम है, हमें ड्रैगन माउंटेन पर लड़ने या फिर स्टेलर पैट को समन करने की अनुमति नहीं है और जो ऐसा करेगा उसे दूसरी टीमों द्वारा निकाल दिया जाएगा, यहाँ तक कि उनके खिलाफ लड़ाई भी की जा सकती है। और कानून और व्यवस्था बनाने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी गार्ड है, इसलिए अपनी प्रोफाइल लो रखे। और ये कहते हुए भी आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर एक लड़की हमला कर देती है जो कि देखते हुए मोला उनसे लड़ने लगता है। ये सब देखते हुए नहीं काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है क्या किन फैमिली और तांग फैमिली का यंग मास्टर यहाँ पे आकर कैसे? तो सुपिंग उनसे कह रहा होता है तुमने अभी तो कहा था कि हम यहाँ पे लड़ नहीं सकते, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? तो नहीं कह रहा होता है हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि नियम हमारे जैसे आम लोगों के लिए है, हालांकि उनके जैसे बड़े परिवार इनकी परवाह नहीं करते, यहाँ तक कि गार्ड्स खुद भी अंधे हो जाते हैं और इन पर ध्यान नहीं देते हैं। मुझे लगता है कि वे यहाँ पे लड़ रहे होंगे क्योंकि क्यूई फैमिली टैंग फैमिली से ड्रैगन माउंटेन पर पहला स्थान लेने की कोशिश कर रहा है और उन दोनों यंग मास्टर की लड़ाई की वजह से वहाँ पे बहुत सारे पत्थर नीचे गिर रहे होते हैं, जो कि देखते हुए नहीं काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है धत्तेरे की उनकी लड़ाई की वजह से यहाँ पे काफी सारे चट्टान हमारी तरफ गिर रहे हैं, जरा ध्यान से बच के रहना। और सभी उसे डॉच कर रहे होते हैं जहाँ पे मोलो कह रहा होता है चट्टानों के गिरने की स्पीड काफी ज्यादा स्लो है तो इसलिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इससे टकरा के मरना ये तो इम्पॉसिबल है। तभी सुपिंग बहुत ही तेजी से आगे जाता है जो कि देखते हुए नहीं काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है सुपिंग तुम कहाँ जा रहे हो? तभी सुपिंग उस चट्टान को अपने हाथों से तोड़ देता है और कह रहा होता है गिरने वाले चट्टानों को तोड़ दो ताकि हमें चढ़ने के लिए आसानी होगी क्योंकि इन सीढ़ियों की वजह से इनसे बचना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो ये सुनते हुए वहाँ पे नई चैन शांग और उसके साथ ज्यू तीनों ही उन पत्थरों को तोड़ने लगते हैं। ये सब देखते हुए मोलाओ और चैन लॉन्ग दोनों ही काफी ज्यादा रन होते हैं जहाँ पे चैन लॉन्ग अपने मन में कह रहा होता है इस लड़के के पास आखिर क्या गुड जजमेंट और कमांड है, और मोलाओ अपने मन में कह रहा होता है अभी अभी तो वो हमारे टीम पे आया लेकिन सभी उसकी ऑर्डर क्यों मान रहे हैं। दूसरी तरफ हमें ड्रैगन माउंटेन का टेरेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। तभी वहाँ पे एक एल्डर एक बंदर से कह रहा होता है प्लीज क्या आप हमें आगे जाने की अनुमति दे सकते हैं, मेरी लेडी 6th सिनेरियो को चैलेंज करना चाहती है। जिसे देखते हुए वो बंदा काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है ये तो तांग फैमिली से है, और हम देखते हैं कि वहाँ पे तांग फैमिली के यंग मास्टर उसी के साथ साथ वहाँ पे एल्डर आ रहे होते हैं जो कि देखते हुए सारे के सारे लोग काफी ज्यादा रन होते हैं, जिनमें से एक एल्डर जो कि जो फेंग क्वीन होता है जो कि
सीनियर 8th ऑर्डर से होते हैं, तो दूसरा फेंगमो होते हैं जो कि 9th ऑर्डर मिड रैंक से होते हैं। और फेंगमो और जुओ फेंगकिंग टैंग परिवार के जुड़वा हवाई के रूप में माने जाते हैं। उन्हें देखते हुए लोग कह रहे होते हैं क्या ये ऐसा हो सकता है कि जो बीच में है वो टैंग फैमिली का यंग मास्टर है। तो बाकी के लोग कह रहे होते हैं ये 5th स्टेज को पार करने वाली पहली पर्सन है और ये लेडी टैंग फैमिली की यंग मास्टर होती है जिसका नाम टैंग रुआन होता है और ये 7th ऑर्डर से अपर रैंक की होती है। और वो कहती है ड्रैगन माउंटेन लिस्ट में पहला स्थान हमारी फैमिली का है, तो प्लीज कोई भी प्रॉब्लम उत्पन्न ना करे। ये कहते हुए आगे बढ़ रही होती है तभी पीछे से क्वीन फैमिली का यंग मास्टर कह रहा होता है उससे तुम्हारा क्या मतलब है। कोइंसिडेंटली मैंने भी जस्ट अभी 5th सिनेरियो को पास किया है और मैं भी अभी 6th सिनेरियो को चैलेंज करने वाला हूँ। एंड ये जो बंदा होता है ये क्वीन फैमिली का यंग मास्टर होता है जिसका नाम क्वीन शाओ तियान होता है जो कि 8th ऑर्डर का मिड रैंक होता है। जिसे देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं और कह रहे होते हैं क्या ये तो शाओ तियान है, हे भगवान। अब लगता है ये देखने के लिए काफी अच्छा शो बनने वाला है। किन फैमिली ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो कि पहले स्थान के लिए टैंग फैमिली को टक्कर दे सकते हैं। रुयान क्या ये होती है माउंटेन के उदय में यह एक विनर के बिना सिर्फ एक खेल था, तो क्या तुम अभी भी इसे जारी रखने के बारे में सोच रहे हो। तो शाओ तियान उससे कह रहा होता है लेडी मैं तुम्हें जाने दूंगा, क्या तुमने इसे बहुत ही सीरियसली ले लिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और ये कहते हैं दोनों ही एक दूसरे पर हमला करते हैं जो कि देखते हुए वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है शांत हो जाओ ड्रैगन माउंटेन का सीक्रेट किंगडम ये ओपन हो चुका है, लेकिन अभी भी ये इतनी एडवांस्ड क्यों है। और ये जो बंदा होता है ये दाओ जुआन होता है जो कि 9th ऑर्डर का अपर रैंक का होता है। जिसे देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं और सभी लोग आपस में कह रहे होते हैं ये तो दाओ जुआन है जो कि सबसे शक्तिशाली आदमी है और ये लगभग लेजेंड के रूप में माना जाता है। तो दूसरे बंदे कह रहे होते हैं चलो जल्दी चलो दाओ जुआन का ऑर्डर है, हमें यहाँ से जल्दी चलना पड़ेगा, हमें दाओ जुआन को ऑफेंड नहीं करना चाहिए। और ये कहते वो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी यहाँ पे जो फेंकिंग उनके रास्ते पे हमला करते हुए कह रहे होते हैं अगर तुम फेंग फैमिली से नहीं हो तो तुम यहाँ पे अंदर नहीं आ सकते। तभी यहाँ पे कोई कदम रखता है जो कि देखते हुए जो फेंकिंग कह रहा होता है आखिर कौन है वो आदमी जो कि यहाँ पे कदम बढ़ाने की हिम्मत करता है। और वो जो बंदा होता है वो सुपिंग होता है और वो उसे इग्नोर करते हुए आगे जा रहा होता है। जिसे देखते हुए जो फेंकिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है जो कि देखते हुए पीछे से एक लड़का कह रहा होता है आखिर वो लड़का कौन है जो कि टैंग फैमिली के सामने कदम उठाने की हिम्मत करता है, क्या ये बंदा मरना चाहता है। जो फेंकिंग वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए स्विमिंग पर हमला करते हुए कह रहे होते हैं अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते वो द पाम ऑफ लाओ यांग का अटैक करते हैं और उसे कह रहे होते हैं अब इसे खाओ। और जैसे वो उनके ऊपर अटैक करते हैं वैसे ही दाओ उनका अटैक को डिफ्यूज कर देता है जो कि देखते हुए सभी लोग और भी ज्यादा रन होते हैं और कह रहे होते हैं दाओ जुआन क्या उसने अटैक किया है और उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ पे बहुत ही बड़ी दरार आ गई होती है। दाओ जुआन कह रहा होता है अगर तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो अकेले में जाके इसे हल करो, यहाँ पे हमें डिस्टर्ब मत करो। ये सुनते हुए सुपिंग उसके सामने झुकते हुए कह रहा होता है थैंक यू मेजर और वो अपने में कह रहा होता है क्या पावरफुल स्वॉट टेक्निक है, स्टार पैट्स पर निर्भर हुए बिना ऐसी पावर प्राप्त करना ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, मुझे लगता है कि ये आदमी काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी दाओ जुआन सुपिंग से कह रहा होता है मुझे थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर कुछ चीटिया कुछ ली जाए तो ये मेरा काम नहीं है, केवल उन गलत शाखाओं की छटाई करने की जिम्मेदारी मेरी है जो कि सीमा से बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन फिर भी वो पंच आपको बिल्कुल चोट पहुंचा नहीं सका है ना। तो उसकी बात सुनते हुए सुपिंग थोड़ा सा हंसने लगता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड होता है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।